मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट बीएससी थर्ड ईयर पेपर फर्स्ट यूनिट सेकंड. आवर टॉपिक इज कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, अनंत श्रेणियों का अभिसरण. हम लास्ट क्लास इससे पहले जो हमें तो सीक्वेंस पढ़ चुके हैं, ठीक है, या भागी है हमारी सीरीज, इसके बारे में हम थोड़ा बहुत तो पढ़ चुके थे पहली वाली क्लास में. एक बार वापस हम रिविजन कर देते हैं कि सिक्वेंस और सीरीज में क्या अंतर होता है. सिक्वेंस जो होती है वो UN होता है, ठीक है, मतलब U1, U2, U3, UN, ये जो टर्म्स होती है ना अलग अलग, ये सभी होता है वो क्या कहलाती है, सिक्वेंस. बट सीरीज इज समेशन ऑफ UN. UN इज सिक्वेंस बट समेशन ऑफ UN इज सीरीज, वेयर N इज लाइज फ्रॉम 1 to infinite. जहां पे N कहां से कहां तक होता है, 1 to infinite होता है. मतलब सभी जो हमारी सिक्वेंस होती है ना, उन सबका जो एडिशन होता है वो क्या कहलाता है, अप टू इनफाइनाइट, आगे चलता रहेगा अप टू इनफाइनाइट, ये हमारी सीक्वेंस कहलाती है. जो सीक्वेंस सॉरी ये होती UN है वो सीक्वेंस होती है, और समेशन ऑफ UN जो होता है वो हमारी सीरीज होती है, ठीक है. ये हम पहले भी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, अब आगे बढ़ेंगे हम. इनफाइनाइट वेरियस इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स. हमारे कोई भी पॉजिटिव टर्म्स है, ठीक है, तो उसके बारे में जो हमारे कन्वर्जेंस उसकी अभिसरण की जो जो भी टेस्ट है उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. स्टार्टिंग की हमारे पास अभी आज हम 4 टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. एक पहला टेस्ट है कंपेरिजन टेस्ट. कौन सा टेस्ट है, कंपेरिजन टेस्ट. इफ समेशन ऑफ UN एंड समेशन ऑफ BN बी टू सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स एंड के बी अ फिक्स्ड पॉजिटिव नंबर, कि हमारा कोई भी पॉजिटिव फिक्स नंबर है, देन समेशन ऑफ VN इज कन्वर्जेंट एंड समेशन ऑफ VN कन्वर्जेंट है और UN की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल्स टू के इनटू VN है, तो समेशन ऑफ VN इज ऑल्सो VN कन्वर्ज, समेशन ऑफ UN इज ऑल्सो कन्वर्जेंट. मतलब हमारे पास यदि कोई दो सीरीज है, कौन कौन सी है, समेशन ऑफ UN और समेशन ऑफ VN, ये कोई भी दो हमारे पास सीरीज या श्रेणियां है, ठीक है, पॉजिटिव टर्म्स की, और के हमारे पास कोई भी फिक्स है वो धनात्मक नंबर है, ठीक है, तो और ये दे रखा है कि VN है वो कन्वर्जेंट है, क्या समेशन ऑफ VN है वो कन्वर्जेंट है, और समेशन ऑफ VN है वो कन्वर्जेंट है और UN की वैल्यू है वो क्या है, लेस देन इक्वल्स टू के इंटू 1 के इंटू VN. मतलब VN में पर्टिकुलर किसी धनात्मक नंबर K को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो वैल्यू है वो UN से ज्यादा है, UN के इक्वल है, तो हमारा समेशन ऑफ UN भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है. फिर ये पहली कंडीशन, सेकंड ये समेशन ऑफ VN इज कन्वर्जेंट. अगर समेशन ऑफ VN कन्वर्जेंट है और ऐसा है तो UN भी कन्वर्जेंट होगा. यदि समेशन ऑफ VN इज डाइवर्जेंट है एंड UN इज लेस देन इक्वल टू के, यहाँ पे लेस देन, UN इज ग्रेटर देन इक्वल टू के इंटू VN, मतलब उस VN में K को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसकी वैल्यू जो है वो UN के इक्वल है, UN से कम है, तो क्या कहलाएगा ये, UN से कम है तो UN है वह डाइवर्जेंट कहलाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है. अब है दूसरा है प्रैक्टिकल कंपेरिजन टेस्ट. इफ समेशन ऑफ UN एंड समेशन ऑफ VN बी टू सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, समेशन ऑफ UN एंड समेशन ऑफ VN हमारे पास दो कोई भी धनात्मक श्रेणियां है, सच दैट लिमिट N टेंड्स टू इनफाइनाइट UN अपॉन VN इक्वल टू L इज नॉट इक्वल टू 0, नॉन जीरो इनफाइनाइट. मतलब हम निकालते हैं UN और VN कोई भी हमारे पास दो पॉजिटिव टर्म्स है और हमने क्या निकाला है, लिमिट N टेंड्स टू इनफाइनाइट UN अपॉन VN ये निकाला, और इसकी जो वैल्यू आ रही है वो नॉन जीरो, क्या है, नॉन जीरो है और फाइनाइट है, मतलब इनफाइनाइट नहीं है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ऐसा है तो हमारे जो सीक्वेंस UN और VN है वो आइदर कन्वर्जेंट होगी और डाइवर्जेंट होगी. क्या होगी, अगर हमारे पहली कंडीशन, तो ये कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी चाहिए कि लिमिट N टेंड्स टू इनफाइनाइट UN अपॉन VN की जो वैल्यू है वो L है और L है वो फाइनाइट नॉन जीरो, जीरो नहीं है, फाइनाइट कोई भी वैल्यू है, ठीक है. तब अब हमारे क्या है, सीक्वेंस जो सीरीज जो है UN और VN आइदर कन्वर्जेंट होगी और डाइवर्जेंट होगी, ये दोनों कंडीशन, ये जो ये कन्वर्जेंट होगी डाइवर्जेंट होगी वो
हमारे vn पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? समेशन ऑफ vn, मतलब vn जो सीरीज है उस पर डिपेंड करता है। अगर हमारी सीरीज vn अगर कन्वर्जेंट है तो un अपॉन vn भी कन्वर्जेंट होगा। यदि सीरीज vn डाइवर्जेंट है तो हमारे un अपॉन vn जो आएगी सीक्वेंस सीरीज वो भी डाइवर्जेंट होगी। देखो देन द टू सीरीज समेशन ऑफ un एंड समेशन ऑफ vn आइदर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। इफ समेशन ऑफ vn इज कन्वर्जेंट then summation of un is also convergent. If summation of vn is divergent then summation of un is also divergent. इसका यूज बहुत ज्यादा करते हैं, ये जो है ना, ये प्रैक्टिकल कंपेरिजन टेस्ट, इसका यूज हम बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि अगर un upon v, हमारे पास un और vn दो कोई भी सीरीज है तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un upon vn की वैल्यू निकालेंगे। वो यदि n आ रही है, n क्या है, नन जीरो है और फाइनाइट वैल्यू है, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि un और vn जो है वो हमारे कैसे होंगे, कन्वर्जेंट होंगे या डाइवर्जेंट होंगे, ठीक है। कन्वर्जेंट भी हो सकते, डाइवर्जेंट होंगे। अगर vn कन्वर्जेंट है तो un भी कन्वर्जेंट होगा, अगर vn डाइवर्जेंट है तो un भी डाइवर्जेंट होगा। बस ये ध्यान रखना, ठीक है। अब है ज्योमेट्रिकल सीरीज। समेशन ऑफ un इक्वल्स टू 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस x माइनस 1 प्लस x टू द पावर n प्लस अप टू इनफाइनाइट। ऐसे कोई सीक्वेंस दिख रही है आपको, ज्योमेट्रिकल सीरीज है जिसका हमारा क्या बोलते हैं रेशियो, कितने का डिफरेंस आ रहा है इसमें, x का डिफरेंस है, x मतलब x मल्टीपल है, 1 प्लस एक्स, x में x को मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर है तो स्क्वायर में x को मल्टीप्लाई किया तो x क्यूब, ठीक है। दिख रहा है ज्योमेट्रिकल सीरीज है, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या कंडीशन है, अगर हमारी सीरीज समेशन ऑफ un है वो कन्वर्जेंट होगी इफ मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन 1। क्या होनी चाहिए, हमारे जो x है मॉडुलस ऑफ x, x की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए। अगर लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो ये डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है, किस पे डिपेंड करता है, ये इस x पे डिपेंड करता है। अगर ये इस x की वैल्यू लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है डाइवर्जेंट। क्यों? क्योंकि इसकी पावर इंक्रीज होती जा रही है। यदि इसकी पावर इंक्रीज होती जा रही है, अगर इसकी वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये बहुत बड़ी 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 बढ़ती जाएगी और इनफाइनाइट की तरफ जाएगी। हमको हमारे कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है, कन्वर्जेंट क्या कहते हैं, किसी भी सीक्वेंस हमने पढ़ा, सीक्वेंस में क्या पढ़ा कि यदि कोई सीक्वेंस है उसकी लिमिट फाइनाइट है तो वो सीक्वेंस भी क्या होगी, फाइनाइट होगी। लिमिट फाइनाइट है उसकी तो वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी, क्या होगी, कन्वर्जेंट। अगर लिमिट फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट है तो वो डाइवर्जेंट होगी। मतलब लिमिट का मतलब क्या, कहां तक जा रही उसकी लिमिट क्या है वो देखते हैं। तो अब यहां देखो, यहां पे अगर x की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो उसकी पावर तो बढ़ती जा रही है, तो नंबर बढ़ता ही जाएगा, बढ़ते खत्म ही नहीं होगा। अगर खत्म ही नहीं होगा तो इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, ठीक है। अगर इनफाइनाइट की तरफ जाएगा तो उसकी लिमिट इनफाइनाइट होगी, लिमिट इनफाइनाइट होगी तो डाइवर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। और यदि लेस देन 1 है, लेस देन 1 है अगर x की वैल्यू तो वो डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा तो वो लास्ट में किसके पास जाएगा, जीरो के पास जाएगा, ठीक है। जीरो के पास जाएगा, ये इसका मतलब हो गई उसकी लिमिट तो आ गई ना। अब लिमिट आ गई मतलब वो क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इज ऑसिलेटिंग, ऑसिलेटिंग कब होगा, ये फाइनाइटली व्हेन x इक्वल्स टू माइनस 1। अगर इस x की वैल्यू यदि माइनस 1 है तो ये ऑसिलेटिंग होगा। क्या ऑसिलेटिंग क्यों होगा, क्योंकि ऑल्टरनेट प्लस माइनस आएगा। देखो अगर इस x की वैल्यू प्लस, ये तो बंद आ गया, ठीक है। अब ये प्लस x की वैल्यू यदि माइनस 1 है, ठीक है, x की वैल्यू माइनस 1, यहां तो माइनस 1 आएगा, प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 आएगा, फिर आएगा माइनस 1, फिर आ जाएगा प्लस 1, क्योंकि इसकी पावर क्या है, जहां जहां इवन पावर है वहां तो प्लस आएगा और ऑड पावर है वहां माइनस आएगा। मतलब ये सीक्वेंस क्या है कि प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 चलता जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ऑसिलेटिंग, फाइनाइटली ऑसिलेटिंग हो जाएगा, ठीक है। और इज ऑसिलेटिंग इनफाइनाइटली व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस 1। क्या लेस देन इक्वल्स टू माइनस 1 पे ये क्या हो जाएगा, ऑसिलेटिंग तो होगी पर इनफाइनाइटली होगी। कैसी होगी, इनफाइनाइटली होगी, ठीक है। अब हाइपर हार्मोनिक सीरीज, और हाइपर हार्मोनिक सीरीज को हम पी सीरीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पी सीरीज भी बोलते हैं। और इस सीरीज का यूज भी हमारे ज्यादातर इस टेस्ट में होता है। इस टेस्ट में
हाइपर हार्मोनिक सीरीज या पी सीरीज का भी यूज करते हैं, क्योंकि हम जब हमारे पास यूएन दे रखा होता है तो हम ऐसा चूज करते हैं वीएन को कि हमारा वो इजिली इसको इजीली हम कैलकुलेटिव कर सके। ठीक है, इजीली कैलकुलेट करने के बाद हम देखते हैं कि वीएन हमारा कैसा है। अगर वीएन जैसा है वैसा यूएन होगा वो तो हमको यहाँ दिख रहा है। अगर वीएन कन्वर्जेंट है तो यूएन भी कन्वर्जेंट होगा, यूएन कन्वर्जेंट होगा तो वीएन भी कन्वर्जेंट होगा। तो ये जो प्रैक्टिकल कंपेरिजन टेस्ट है उसी के अंदर हम हाइपर हार्मोनिक सीरीज का यूज भी करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसमें क्या होता है, इसमें समेशन ऑफ 1/n^p ऐसी कोई हमारी सीरीज है। क्या है, समेशन ऑफ वन, मतलब ये उसकी एन टर्म्स है, कौन सी, 1/n^p, मतलब हमारी सीरीज ऐसी है 1/1^p, 1/2^p, 1/3^p, एन टर्म्स क्या होगी 1/n^p। अभी इस p के ऊपर डिपेंड करता है कि कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है। इफ p इज ग्रेटर देन 1 देन कन्वर्जेंट एंड p इज लेस देन इक्वल टू 1 देन डाइवर्जेंट। मतलब यदि इस p की वैल्यू 1 है तो भी डाइवर्जेंट होगा और लेस देन 1 है तो भी डाइवर्जेंट होगा। ग्रेटर देन 1 पे ओनली क्या होगा, ये कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, अब इसमें बेस हम थोड़े क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1/2 + √2/5 + √3/8 + √n/3n-1 + दे रखा है। ठीक है, हमको क्या करना है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग सीरीज आर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। हमको ये देखना है कि हमारी जो सीक्वेंस सीरीज है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, ये हमको इसमें चेक करना है। ठीक है, क्या दे रखे, 1/2 + √2/5 + √3/8 + √n/3n-1। यहाँ ऑलरेडी हमको एन टर्म्स इसकी दे रखी है। ठीक है, या एन टर्म्स यू एन उसकी क्या दे रखा है हमको, यू एन इक्वल्स टू √n/3n-1। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें जो भी n की पावर होती है, जैसे ऊपर जो भी है नीचे भी जो भी है, हाईएस्ट n की पावर हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, √n है, ये तो ऑलरेडी सिंगल है। यहां से हमने n की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, हमने इस n को बाहर निकाल दिया। n को बाहर निकाला तो ये क्या गया, 3-1/n आ गया। अब क्या हो जाएगा, √n का कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, 1/√n/3-1/n क्या बचेगा हमारे पास, 1/√n/3-1/n। अब हमको यहाँ देखना है, हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है, 1/√n आ रहा है। ऊपर का भी लो, नीचे देखो, नीचे n की क्या पावर आ रही है। अब यहाँ पे अगर लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, वैल्यू जीरो हो जाएगी, हमको जीरो नहीं करनी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास n वाली टर्म्स क्या आ रही है, 1/√n आ रही है। तो हम क्या करते हैं, vn को ऐसा चूज करते हैं कि ये √n हमारा यहाँ से हट जाए। क्या हो जाए, अगर ये √n यहाँ से हट जाता है फिर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट लगाएंगे तो ये 1/∞ जीरो बन जाएगा और हमारे आंसर आ गया 1/3। दिख रहा है ना यहाँ से, कि अगर हम n की तरह इन्फाइनाइट, ये √n यहाँ से हट जाए तो यहाँ n टेंड्स टू इन्फिनिट लगाते ही हमारी वैल्यू आ जाएगी 1/3। तो 1/3 आने के बाद हम ये देखते हैं कि 1/3 आ जाएगा तो फिर अब √n/3 के हिसाब से करेंगे तो उसके हिसाब से आगे हम ट्राई करेंगे, जीरो तो नहीं आ रहा है ना हमारे वैल्यू, बस उसके लिए हम vn क्या चूज करेंगे, लेट vn इक्वल्स टू 1/√n। अब तुमको खुद को देखना है कि vn हम क्या चूज करें, तो vn हमको ऐसा चूज करना है कि ये √n यहां से हट जाए ताकि मैं इजिली इसको सॉल्व कर सकूं। ठीक है, तो हम vn क्या चूज करते हैं, अगर मैं vn 1/√n लिखूंगी, ठीक है, तो un/vn करूंगी तो ये √n ऊपर जाके इसको कैंसिल कर देगा। ठीक है, इस हिसाब से हम vn को ऐसा चूज करते हैं। हमने क्या मान लिया, लेट vn इक्वल टू 1/√n, देन un/vn की वैल्यू क्या आ गई, un/vn की वैल्यू निकालो, 1/√n/3-1/n into upon
अपन इसमें डिवाइड करें वन अपॉन अंडर रूट एन, तो ये अंडर रूट एन जाएगा ऊपर, तो वन अपॉन अंडर रूट एन इंटू थ्री माइनस वन अपॉन एन, ठीक है, और ये अंडर रूट एन यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई, इस अंडर रूट एन से ये अंडर रूट एन कैंसल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, अब हम लिमिट लगा देंगे, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन वी एन, लिमिट एन टेंस टू यू एन अपॉन वी एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट वन अपॉन थ्री माइनस वन अपॉन एन, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वन बाय थ्री, एंड वन बाय थ्री इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड फाइनाइट, कैसी है, फाइनाइट। सो un is un and vn are either convergent or divergent, but हमने बताया था कि ऐसा होने के बाद यदि इसकी वैल्यू हमको फाइनाइट मिल जाती है तो या तो un और vn कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट होंगे, परंतु ये डिपेंड किस पे करता, vn पे, अगर vn कन्वर्जेंट है तो un भी कन्वर्जेंट होगा, vn डाइवर्जेंट है तो un भी डाइवर्जेंट होगा, बट vn इक्वल टू क्या है हमारे पास, बट vn इक्वल टू क्या है हमारे पास, वन अपॉन अंडर रूट एन, मीन्स वन अपॉन एन टू द पावर वन बाय टू, हियर p इक्वल टू वन बाय टू, और वन बाय टू इज लेस देन वन, वन बाय टू क्या वन से छोटा है, और जब वेन p इज लेस देन वन बाय टू होता है तो हमारी सीक्वेंस सीरीज कैसी होती है, डाइवर्जेंट होती है, ठीक है। बट वी एन इक्वल टू p इज लेस देन, p की वैल्यू क्या लेस देन वन है, सो वी एन इज डाइवर्जेंट, so un is also divergent, कैसी हो जाएगी सीरीज हमारी, सीरीज डाइवर्जेंट, क्योंकि vn डाइवर्जेंट है तो un is also divergent, okay। इसका मतलब हमारी सीरीज un क्या आ गई, डाइवर्जेंट है। आगे अब और सॉल्व करते हैं, रूट टू माइनस रूट वन अपॉन वन प्लस रूट थ्री माइनस रूट टू अपॉन ऑल्सो वन प्लस रूट फोर माइनस रूट थ्री अपॉन वन प्लस, जल्दी जा रही है हमको चेक करना है ये सीक्वेंस हमारी सीरीज हमारी कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, ठीक है। देखो इधर, यहां तो क्या पहले एन टर्म्स निकालो उसकी, यहाँ पे यू एन क्या होगा, एन टर्म्स क्या है, वन टू थ्री एन टर्म्स, इधर तो हो जाएगी हमारी अंडर रूट एन, इधर देखो टू थ्री फोर मतलब वन है तो एन टर्म्स एन है, टू है तो एन टर्म्स क्या हो जाएगी, एन प्लस वन, क्या हो जाएगी, एन प्लस वन, दिख रहा है। जब पहली टर्म्स एक है, दूसरी टर्म्स दो है, तीसरी टर्म्स तीन है, तो एन वी टर्म्स क्या होगी, एन होगी, पहली टर्म्स ही दो है तो एन वी टर्म्स क्या होगी, एन से बढ़कर एन प्लस वन, ये आ गई, इसकी एन टर्म्स कौन सी होगी, रूट ऑफ एन प्लस वन माइनस अंडर रूट एन। अब ऊपर अंडर रूट आ रहा है क्या, नीचे आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, ऊपर अंडर रूट आ रहा है इसका मतलब तो लिमिट अगर लगाओगे तो ऊपर इन्फिनिट आएगा, इन्फिनिट तो हमको लाना ही नहीं है, इसके लिए अब क्या करें, हम इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सबसे पहले रेशनलाइज करेंगे, क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे, करो इसको रेशनलाइज, रूट एन प्लस वन माइनस रूट एन, इसमें मल्टीप्लाई किसको करेंगे हम, रूट एन प्लस वन प्लस रूट एन,
इसको रेशनलाइज कर देते हैं, माइनस की जगह क्या लेंगे, प्लस को ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी प्लस वाले को मल्टीप्लाई। ठीक है, करो मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई किया तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए इसका अंडर रूट हट जाएगा, माइनस बी स्क्वायर तो ये एन आ गया। ठीक है, नीचे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एन प्लस वन प्लस अंडर रूट ऑफ एन। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा, इस एन से ये एन कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एन प्लस वन प्लस अंडर रूट ऑफ एन। अब नीचे जो भी एन की टर्म्स है वो उसको क्या कॉमन ले लो। ठीक है, जब एन की टर्म्स को हम कॉमन लेंगे तो नीचे तो क्या अंडर रूट एन इधर भी आ रहा है, अंडर रूट एन इधर भी आ रहा है। मैंने क्या किया, अंडर रूट एन को बाहर निकाल दिया, वन अपॉन अंडर रूट एन को बाहर निकाल दिया। जब मैंने अंडर रूट एन को बाहर निकाला, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर वन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, ये पूरा अंडर रूट एन बाहर निकल गया। इस अंडर रूट के अंदर एन बाहर निकाला तो याद है वन प्लस अंडर रूट ऑफ वन अपॉन एन। ठीक है, अब यहाँ दिख रहा है हमको, ये अगर अंडर रूट एन यहाँ से हट जाए तो मेरा क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाएगा और इसकी वैल्यू वन आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे वन अपॉन इन्फाइनाइट लगाऊंगी तो ये जीरो बन जाएगा, ये वन है, ये वन है, ये वन है, तो ये वन मतलब वन, ये जीरो बन जाएगा, ये वन और ये वन, इसकी वैल्यू वन बाय टू आ जाएगी अगर मेरी ये अंडर रूट एन हट जाती है तो। इस अंडर रूट एन को हटाने के लिए मैं क्या करूंगी, वी एन को चूज कर लूंगी, और वी एन को क्या चूज करूंगी, ऐसा चूज करूंगी कि अंडर रूट एन हट जाए तो वन अपॉन अंडर रूट, वन अपॉन अंडर रूट दिख रहा है ना हमको, वन अपॉन अंडर रूट एन ही चेंज करूंगी, तभी तो यू एन अपॉन बी एन करूंगी तो अंडर रूट एन ऊपर चला जाएगा और अंडर रूट एन से अंडर रूट एन मेरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, लेट वी एन इक्वल्स टू वन अपॉन अंडर रूट एन। ठीक है, वन अपॉन अंडर रूट एन का मतलब क्या किया, वन अपॉन एन टू दी पावर वन बाय टू। ठीक है, अब मैं ले रही हूं, देन यू एन अपॉन वी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू एन अपॉन वी एन की एक वैल्यू हो जाएगी मेरे पास वन अपॉन अंडर रूट एन इंटू अंडर रूट ऑफ वन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन अपॉन वन अपॉन ऑल्सो अंडर रूट एन। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, ये ऊपर चला जाएगा, देन वन अपॉन अंडर रूट एन इंटू अंडर रूट ऑफ वन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन इंटू अंडर रूट एन। इस अंडर रूट एन से अंडर रूट एन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या बचेगा, यू वन अपॉन वी एन वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। अब मैंने लगाई लिमिट, देन लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन वी एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट अंडर रूट ऑफ वन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। जब मैंने इसमें लिमिट लगाई तो यहां से तो वन मिलेगा, वन तो आ जाएगी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन बाय टू, एंड वन बाय टू इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड फाइनाइट वैल्यू। कौन सी वैल्यू है ये, नॉट इक्वल टू जीरो है, फाइनाइट वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि यू एन और वी एन दोनों या तो कन्वर्जेंट होंगे या डाइवर्जेंट होंगे। हियर समेशन ऑफ यू एन एंड समेशन ऑफ वी एन आर आइदर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, या तो कन्वर्जेंट होंगे या डाइवर्जेंट होंगे, बट वी एन इक्वल्स टू वन अपॉन एन टू दी पावर वन बाय टू पी इक्वल टू वन बाय टू इज लेस देन वन, सो वी एन इज डाइवर्जेंट therefore un is also divergent। okay, vn divergent।
मेरा क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समेशन ऑफ साइन वन अपॉन एन। हमको कौन सी हमारी समेशन सीरीज क्या है, समेशन ऑफ साइन वन अपॉन एन। ठीक है, समेशन ऑफ साइन वन अपॉन एन मीन्स हमारी अगर हम सीरीज निकाले इसकी, समेशन ऑफ यू एन, ठीक है, आ जाएगा साइन वन प्लस साइन वन बाय टू प्लस साइन वन बाय थ्री, चलती जाएगी सीरीज। ठीक है, ये हमारी चलती जाएगी। अब हमने क्या किया है, समेशन ऑफ साइन वन अपॉन एन, मतलब एक तरह से क्या है, साइन एक्स की सीरीज है ये हमारी। क्या है, यू एन इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, साइन वन अपॉन एन। एन टर्म्स से तो ये एन टर्म्स तो होती है, यू एन हमारी क्या होगी, एन टर्म्स होती है। अब हमको साइन एक्स का फॉर्मूला पता है, साइन एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, फॉर्मूला देखो, साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस एक्स टू द पावर फाइव अपॉन फैक्टोरियल फाइव माइनस एक्स टू द पावर सेवन अपॉन फैक्टोरियल सेवन। ऑल्टरनेट प्लस माइनस आएगा और इवन सॉरी ऑड ऑर्डर में पावर बढ़ती जाएगी, पावर वन पावर थ्री पावर फाइव पावर सेवन, और नीचे जाएगा उसका फैक्टोरियल ज्यादा जाएगा। ठीक है, ये होती है हमारी साइन एक्स सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पे ला रखो, लेकिन सीरीज क्या हो जाएगी हमारे पास, साइन साइन एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स मीन्स वन अपॉन एन, साइन एक्स एन एक्स माइनस एक्स x माइनस एक्स क्यूब वन अपॉन एन पावर क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस वन अपॉन एन पावर फाइव अपॉन फैक्टोरियल फाइव। ठीक है, ये सीरीज हमारी बढ़ती जाएगी। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहां पे ये बढ़ता जाएगा। अब देखो, इसमें से हम वन अपॉन एन को कॉमन निकाल सकते हैं। अगर हमने इसमें से वन अपॉन एन को कॉमन निकाल दिया, ये क्या आ जाएगा, वन माइनस वन अपॉन एन होल स्क्वायर वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस वन अपॉन एन पावर फोर वन अपॉन एन फैक्टोरियल फाइव आता जाएगा। ठीक है, मतलब हमारी कुल मिला के एक टर्म्स तो ऐसी है जिसमें एन नहीं आ रहा। अब हमने क्या चूज किया, ले अगर ये n वन अपॉन इन्फाइनेट से जीरो बना देगा इसको, अगर ये n यहां से हट जाए, ठीक है, तो मेरी सीरीज क्या हो जाएगी, इजीली सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए मैं चूज क्या करती हूँ, लेट वी एन, मैंने बताया वी एन को ऐसा ही चूज करना है कि हमारा जो इक्वेशन उसको जीरो बना रहा है वो नहीं आना चाहिए। अब जीरो कौन बना रहा है, ये n को जीरो बना रहा है, इसको ये जीरो बना रहा है, इस n को हमको रिमूव करना है। इसलिए n को कब रिमूव कर सकते हैं, अगर मैं वी एन की जगह वन अपॉन एन तक ले लू तो यूएन ऊपर वी एन निकालूंगी तो वो एन ऊपर जाके इस एन को कैंसिल कर देगा। तो लेट वी एन इक्वल टू वन अपॉन एन, क्या लिया मैंने, लेट वी एन इक्वल टू वन अपॉन एन। ठीक है, देन यूएन अपॉन वी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, देन यूएन अपॉन वी एन इक्वल टू वन अपॉन एन वन माइनस वन अपॉन एन होल स्क्वायर वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस वन अपॉन एन पावर फोर वन अपॉन एन फैक्टोरियल फाइव, बढ़ता जाएगा ये। ठीक है, अपॉन वन अपॉन एन, अब क्या हो जाएगा, इस पूरे वन अपॉन एन से ये वन अपॉन एन कैंसिल हो जाएगा। देन यू एन अपॉन बी एन इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, वन माइनस वन अपॉन एन होल स्क्वेयर वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री
प्लस वन अपॉन एन पावर फोर वन अपॉन फैक्टोरियल फाइव बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब मैंने लिमिट लगा दी इसमें, क्या लगा दी मैंने, लिमिट लगा दी, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन वी एन। ओके, जब मैंने लिमिट लगाई, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट वन माइनस वन अपॉन एन होल स्क्वायर वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस वन अपॉन एन पावर फोर वन अपॉन फैक्टोरियल फाइव माइनस बढ़ता जाएगा। जब इसमें लिमिट लगाऊंगी तो वन अपॉन एन वन अपॉन जीरो वन अपॉन जीरो सॉरी वन अपॉन इनफाइनाइट जीरो वन अपॉन इनफाइनाइट जीरो, ये तो जीरो बन के बचे हैं कौन सी, खाली वन, इसकी वैल्यू क्या है कि वन, एंड वन इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड फाइनाइट, क्या है ये, फाइनाइट वैल्यू है। अगर ये फाइनाइट वैल्यू है तो हम यू एन और वी एन क्या होंगे, या तो कन्वर्जेंट होंगे या डाइवर्जेंट होंगे। सो समेशन ऑफ यू एन एंड समेशन ऑफ वी एन मतलब सीरीज यू एन एंड सीरीज वी एन आइदर कन्वर्जेंट, या तो कन्वर्जेंट होंगे या डाइवर्जेंट होंगे, या तो अभिसारी होंगे या अपसारी होंगे, ये इस पे डिपेंड करता है वी एन पे। बट वी एन इक्वल्स टू वन अपॉन एन, हियर पी इक्वल टू वन, सो समेशन ऑफ वी एन इज डाइवर्जेंट, क्योंकि हमको पता है, पढ़ चुके हम, वेन पी इज ग्रेटर देन वन देन सीरीज इज डाइवर्ज कन्वर्जेंट एंड वेन पी इज लेस देन इक्वल टू वन देन सीरीज इज डाइवर्जेंट। ये पी सीरीज में पढ़ चुके हैं, पी सीरीज को हमने यहाँ यूज किया, ये पी सीरीज तो है हमारी वन अपॉन एन, वन अपॉन एन एंड वन अपॉन एन टू दी पावर पी, पी की जगह पावर कुछ नहीं है, मतलब वन तो है ना, इस पी की जगह यहाँ पे क्या है, वन है। ठीक है, इज डाइवर्जेंट। सो समेशन ऑफ यू एन इज ऑल्सो डाइवर्जेंट, तो क्या हो जाएगी, ये भी हमारी डाइवर्जेंट हो जाएगी सीरीज। लास्ट क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं हम, एन टू द पावर पी अपॉन एन प्लस वन टू द पावर पी प्लस अल्फा। ओके, एन टू दी पावर पी अपॉन एन प्लस वन पी टू दी पावर अल्फा, ये हमारी कोई यू एन टर्म्स दे रही है, क्या देखिए यू एन की वैल्यू ये दे रखी है हमको, मतलब एन टर्म्स ऑलरेडी गिवन है हमको, अब ये देखना है कि हमारी ये जो सीरीज है समेशन ऑफ यू एन को कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे ऊपर तो ऑलरेडी एन की पावर दे रखी है, नीचे एन की जो हाइएस्ट पावर आती है उसको बाहर निकाल दो। ठीक है, सबसे पहले हाईएस्ट पावर को बाहर निकाला तो क्या हो जाएगा, एन टू दी पावर पी, एन की हाईएस्ट पावर क्या है, एन टू दी पावर बाहर पावर क्या है, पी प्लस अल्फा आ रही है, इसका मतलब एन की हाईएस्ट पावर एन टू दी पावर पी प्लस अल्फा ही तो होगी, हमने निकाल दी एन टू दी पावर पी प्लस अल्फा बाहर निकाल दी, ये क्या आ जाएगा वन प्लस वन अपॉन एन पावर पी प्लस अल्फा। ठीक है, अब जब अगर लिमिट लगाएंगे ये तो वन अपॉन इनफाइनाइट जीरो बना देगा, जीरो ये बन गया वन, वन के ऊपर कितने भी पावर हो कोई मतलब ही नहीं है, वन के ऊपर कोई भी पावर वैल्यू वन ही होती है। ठीक है, तो ये तो हमारी बचाने की वैल्यू को, प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है, ये जो एन है वो गड़बड़ कर रहा है। अगर यहां से मैं पी तो कैंसिल कर दू, ठीक है, एन टू दी पावर पी से एन टू दी पावर पी तो मेरी एन टू दी पावर पी, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, एन टू दी पावर पी इंटू एन टू दी पावर अल्फा, आधार समान तो गाते जुड़ जाती है,
इसको अलग अलग मैं ऐसा लिख सकती हूँ, 1 + 1/n^p + α। तो ये n^p से तो n^p कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 1/n^α, 1 + 1/n^p + α, ये हमारे पास शेष बच रहा है। गड़बड़ कौन कर रहा है, ये वाला n कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट रखते हैं, ये 1/n से 0 बना देगा। इस 1 n^α को हटाने के लिए मैं vn क्या चूज करूंगी, 1/n^α, क्या चूज करूंगी, 1/n^α चूज करूंगी। लेट vn इक्वल्स टू 1/n^α, देन वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ un upon vn, देन un upon vn इक्वल्स टू 1/n^α, 1 + 1/n^p + α upon 1/n^α। अब क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, बचेगा क्या 1/n^α, 1 + 1/n^p + α इंटू n^α। n^α से n^α से ये n^α तो हमारा कैंसिल हो गया। अब जब मैं लिमिट लगाऊंगी यहाँ पे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un upon vn इक्वल्स टू, तो क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 upon 1 + 1/n^p + α। जब मैं लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लगाऊंगी तो 1 upon ∞ ये जीरो होगा, जीरो ये जीरो होगा, पर ये तो वन है, वन के ऊपर कोई भी पावर हो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू वन आएगी, और वन इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड फाइनाइट, क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, नॉट इक्वल टू जीरो एंड फाइनाइट। ठीक है, फाइनाइट आ गई इसकी वैल्यू, इसका मतलब क्या आ गया, समेशन ऑफ un एंड समेशन ऑफ vn आइदर या तो कन्वर्जेंट होंगे और डाइवर्जेंट। ठीक है, आइदर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, बट हियर vn इक्वल्स टू 1/n^α। ठीक है, इफ अल्फा इज लेस देन वन, इफ अल्फा इज ग्रेटर देन वन, देन vn इज कन्वर्जेंट। ठीक है, इफ अब यहां पे दिख रहा है ये p सीरीज तो है 1/n^π, अगर p ग्रेटर देन वन होता है तो कन्वर्जेंट होता है, p इज लेस देन इक्वल टू 1 पे डाइवर्जेंट होता है, कोई कंडीशन हमारे यहाँ पे भी लगेगी, अगर अल्फा की वैल्यू 1 से बड़ी है तो vn कन्वर्जेंट होगा, vn कन्वर्जेंट होगा देन un इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, देन un इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, समेशन ऑफ। ठीक है, बट इफ अल्फा इज लेस देन इक्वल टू 1 देन समेशन ऑफ vn इज डाइवर्जेंट एंड देन समेशन ऑफ un इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। ठीक है, क्योंकि हमारा जो कंपैरिजन टेस्ट होता है un upon vn, उसमें जो un है वो vn पे ही डिपेंड करता है, अगर vn कन्वर्जेंट है तो un कन्वर्जेंट होगा और vn डाइवर्जेंट है, un डाइवर्जेंट होगा, पर इसके लिए क्या होना चाहिए, un upon vn जो आ रहा है लिमिट n टेस्ट टू इनफिनिट, un upon vn फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, तो फिर हम आगे टेस्ट में बढ़ते। ओके, तो
तो आज हम कम हमारी जो इनफाइनाइट सीरीज थी उसमें कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंट जो हमारी जो सीरीज में है वो हम चेक किया आज। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।